आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आज के लेक्चर में हम देखेंगे मसल वेलोसिटी। ये प्रॉब्लम भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर ही बेस्ड है। मसल वेलोसिटी क्या होती है? द वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग विथ रेस्पेक्ट टू गन। आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान रखना है, हमें वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू क्या गिवन है? गन गिवन है। ठीक है ना, सीन ये है कि बुलेट और गन हम इनिशियली रेस्ट पे मानते दोनों। ठीक है, इनिशियली क्या है? रेस्ट पे। अब मैंने क्या किया, बुलेट को शूट किया, राइट? गन से बुलेट निकल गई विथ स्पीड वी नॉट, वेयर वी नॉट इज द मसल स्पीड। वी नॉट इज द मसल स्पीड। नाउ यू नो दैट इफ आई कंसिडर दिस टू बी अ सिस्टम, इफ आई कंसिडर द बुलेट एंड द गन टू बी अ सिस्टम, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, आई कैन राइट द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। अगर मोमेंटम मेरा कंजर्व्ड है तो क्या मैं लिख दूं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। करेक्ट, इनिशियल मोमेंटम क्या है? जीरो, दोनों रेस्ट में। और फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट। नाउ व्हाट वेलोसिटी इज नॉट नोन टू अस, गन की वेलोसिटी। एक काम करता हूं, मैं वी अज्यूम कर लेता हूं, कैपिटल वी। आई हैव अज्यूम द वेलोसिटी ऑफ द गन टू बी वी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और आपको ये चीज क्लियर होगी कि हम जब भी मोमेंटम लिखते हैं इस इक्वेशन में, हम वेलोसिटीज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही लिखते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को एकदम फिट कर लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटीज जब लिखते हैं विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखते हैं इस इक्वेशन में। चलिए, तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ द मोमेंटम ऑफ द गन कितना हो जाएगा, मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी, दैट इज अ नेगेटिव डायरेक्शन, करेक्ट। चलिए, प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट, सो मास ऑफ द बुलेट इनटू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बट यहां पे हमको क्या गिवन है, वी नॉट गिवन है, वी नॉट इज अ मसल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज आफ्टर फायरिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू गन। ठीक है, नाउ मैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन कैसे निकालता है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, आपको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कांसेप्ट पता है, राइट? सो कैन आई राइट दिस वेलोसिटी ऑफ बुलेट टू बी वेलोसिटी ऑफ गन, इसको बदल लिया, सो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन, करेक्ट। नाउ दिस इज द थिंग व्हिच इज कॉल्ड अ मसल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू गन। सो हमें गिवन है वी नॉट, प्लस में है, राइट डायरेक्शन। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन मैंने भी अज्यूम किया ग्राउंड रिस्पेक्ट से, कैपिटल वी। तो मेरी वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी आ गई, वी नॉट माइनस वी। अगर मैं वेक्टर फॉर्मेट में लिखूं तो इसको आई कैप लगा देगा। क्या चीज आपको क्लियर? चलिए देखते दोस्तों, तो यहां पे हम वेलोसिटी इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, कितना लिख दूंगा इसको, एम इन टू वी विद अ नेगेटिव साइन प्लस कैप स्मॉल एम इन टू वी नॉट माइनस कैपिटल वी, राइट, इक्वल टू जीरो। आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस एम वी माइनस एम वी क्या प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा कैपिटल वी इज इक्वल टू कैपिटल वी इज इक्वल टू एम वी नॉट अपॉन एम प्लस एम वी। क्या आपको वेलोसिटी समझ में आई है कि हम वेलोसिटी ऑफ द गन कैसे निकालेंगे, राइट? हमारा कंसर्न क्या था, हमको इसकी गन की रिकॉइल स्पीड निकालनी थी, किस स्पीड से ये रिकॉइल करती है, राइट? अच्छा, अब आप इस तरीके के प्रॉब्लम्स को एक आसान तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस याद रखनी होगी दोस्तों। कैसे? सबसे पहले तो हमें एक कंडीशन याद रखनी होगी कि मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। अगर मोमेंटम कंजर्व्ड है और इनिशियल मोमेंटम जीरो है, दोस्तों ये कंडीशन शॉर्टकट लगा रहा हूं मैं एकदम, मतलब जल्दी से आंसर ले आएंगे अपन, ठीक है। तो मैंने अगर ये कब लगेगा जब इनिशियल मोमेंटम क्या हो, जीरो। अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो क्या मैंने लिखा, फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, राइट? इसका मतलब अगर एक चीज राइट में जाएगी और दो चीज का सम जीरो है, राइट, दो क्वांटिटीज का सम जीरो है, एक पॉजिटिव है तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा दोस्तों, नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर दूसरे को नेगेटिव होना पड़ेगा कि मतलब माइनस डायरेक्शन आएगी उसकी, तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं उसको कि द मोमेंटम ऑफ गन माइनस इक्वल्स टू मोमेंटम ऑफ द बुलेट। दोस्तों सिर्फ कैलकुलेशन आसान कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही है, कॉन्सेप्ट को मैं चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आपको कैलकुलेशन आसान करके दिखा सकता हूं कि अपन कितने कम से कम टाइम में आंसर निकाल के दे, राइट?
अब मैं काम करता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख दू मोमेंटम वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, लेकिन मैं वेक्टर फॉर्मेट में हटा रहा हूँ, मैं वेक्टर फॉर्मेट हटा रहा हूँ, नेगेटिव साइन हटा रहा हूँ। मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि मोमेंटम इन द लेफ्ट डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू द मोमेंटम इन द राइट डायरेक्शन। बोलो दोस्तों, हाँ या ना? मोमेंटम इन लेफ्ट डायरेक्शन इक्वल टू मोमेंटम इन राइट डायरेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड। और वैसे अगर नेगेटिव साइन के साथ है तो मतलब ये परफेक्ट लिखा हुआ है मैंने डायरेक्शन के साथ। इसका मतलब जब मैं लेफ्ट में टर्म लिखूंगा, जो भी पार्टिकल लेफ्ट में जाएगा उसके लिए मैं लेफ्ट डायरेक्शन को राइट पॉजिटिव अज्यूम करूंगा, और जब मैं राइट आरएसएस में लिखूंगा तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम करूंगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो ये हो जाएगा एम वन इंटू वी वन इक्वल्स टू एम टू इंटू वी टू। यहाँ पे एक पॉइंट जो नोट करना है, ये जो दोनों वेलोसिटीज है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस अब देखो कैसे अपन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे फटाफट। आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। आइए दोस्तों, मुझे पता है कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट तो विद रिस्पेक्ट टू गन गिवन है, विद रिस्पेक्ट टू गन गिवन है, लेकिन वेलोसिटी वी हमने अज्यूम की है, वेलोसिटी ऑफ वी कैपिटल वी, वेलोसिटी ऑफ द गन कैपिटल वी हमने अज्यूम की है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अज्यूम की है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अज्यूम की है। इसका मतलब वो क्या चल रही है लेफ्ट में, तो क्या मैं ऐसे लिख दूं मोमेंटम द मास ऑफ द गन इनटू द वेलोसिटी ऑफ द गन इन द लेफ्ट डायरेक्शन। मैं नेगेटिव साइन नहीं लगा रहा हूं दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था वो क्यों लगाऊंगा। जब मैं एलएचएस में लिखूंगा तो नेगेटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखूंगा, और जब मैं आरएचएस में लिखूंगा तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखूंगा। ठीक है, चलिए आ जाओ। अब मास ऑफ द गन, मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखिए दोस्तों, गन जा रही पीछे, गन जा रही पीछे और बुलेट जा रही आगे विद रिस्पेक्ट विद द वेलोसिटी वी नॉट, तो क्या इफेक्टिव वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से दिस माइनस दिस हो जाएगी? गन जा रही पीछे और बुलेट जा रही आगे, तो जो इफेक्टिव वेलोसिटी होगी आगे की डायरेक्शन में क्या आपको दिस माइनस दिस होगी? इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, स्मॉल वी नॉट माइनस कैपिटल वी। क्या यही वेलोसिटी होगी बुलेट की राइट डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड? क्लियर? अब देखिए दोस्तों, ये माइनस है इसको इधर ले जाओ, तो एम प्लस कैपिटल एम into capital V equals to M into V naught, मेरा आंसर आ गया M V naught divided by M plus M। क्या यही आंसर आया है जो यहां से लेके आए? तो हमने क्या सीखा यहां पर कि ये तो 100% हर केस में ट्रू है, 100% हर केस में ट्रू है, लेकिन अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो हो, मतलब मेरा सेंटर ऑफ मास का मोशन जीरो हो, मेरा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे हो, तो मैं ये क्वेश्चन लगा सकता हूं कि लेफ्ट में मोमेंटम इक्वल्स टू राइट में मोमेंटम। जब मैं एलएचएस में लिखूंगा तो लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव, जब आरएचएस लिखूंगा तो राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव, और दोनों वेलोसिटीज को विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेना है। दोस्तों, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को एनहांस करने के लिए मैं एक एलटी क्यू लेता हूं। यहां पर एक कार भी गिवन है जिसका मास कैपिटल एम है और एक मैन है जिसका मास स्मॉल एम है। अब मैन क्या कर रहा है? मैन जंप कर रहा है, मैन क्या कर रहा है? जंप कर रहा है इस डायरेक्शन में, मैंने इधर कर दिया जंप ग्राउंड पे। अब मैं सारी सर्फेसिस को स्मूथ मानू और इसको सिस्टम मानू, तो क्या दोस्तों एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है? नहीं। वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रहा है, मेरे को वाई डायरेक्शन की कोई चिंता ही नहीं है, वाई डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, लेकिन एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब क्या एक्स डायरेक्शन मोमेंटम कंजर्व? अगर x डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व्ड है दोस्तों, ध्यान से सुनना, तो क्या मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं यहां पे? राइट? अच्छा, इनिशियली मैं मान के चल रहा हूं ये पार्टिकल पूरा सिस्टम रेस्ट पे, राइट? इनिशियली रेस्ट पे, अब क्या जो मास है वो कूद गया इधर, यू स्पीड, ठीक है? सो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार्ट व्हेन द मैन जंप्स फ्रॉम द कार्ट विद स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u विद रिस्पेक्ट टू कार्ट। इस प्रॉब्लम को जब आप ध्यान से समझेंगे तो आपको दो चीज और क्लियर हो जाएगी, वो मैं यहां पर समझा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, केस वन में क्या बोला हमने कि हम जब कूद रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कूद रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कूद रहे हैं, हमारी स्पीड कितनी है यू इधर की तरफ। मैं मान लेता हूं, देखो जो भी चीज नहीं पता उसको अज्यूम कर लिया करो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, राइट? मैं मान लेता हूं कि इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कैपिटल वी होगी। दोस्तों, मैंने कार्ड की वेलोसिटी कितनी मान ली? कैपिटल वी। अगर मैंने कार्ड की वेलोसिटी कैपिटल वी मान ली तो बताओ क्या इसको सिस्टम मानने के बाद एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकता हूं? आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल लगा सकते हो सर, आपकी मर्जी जो करना है करो। मतलब मैं लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और मैंने अभी आपको सिखाया अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो हो, ध्यान दो शॉर्टकट, अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो हो तो क्या मैं लिख देता हूँ मोमेंटम चेंज इन द लेफ्ट डायरेक्शन इक्वल्स टू मोमेंटम चेंज इन द राइट डायरेक्शन। जब राइट में लिखूंगा तो राइट पॉजिटिव, जब लेफ्ट में लिखूंगा तो लेफ्ट पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट में कौन जा रहा है? कार्ट, करेक्ट?
कार्ड की m into v, क्या v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? हाँ हाँ बिल्कुल, v विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही अज्यूम की हमने। चलिए m into v, क्या इसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है या फर्स्ट केस में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही गिवन है u? तो मेरा आंसर डायरेक्ट आ गया v equals to mu upon capital m, मेरा आंसर आ गया। ठीक, अब समझते हैं दूसरा। अब इन्होंने बोला सेकंड केस में दैट u इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड। अब u ग्राउंड के रेस्पेक्ट से गिवन नहीं है दोस्तों। चलिए आइए समझते हैं इसको, ये चीज क्या गिवन है। अब वही कॉन्सेप्ट लगेगा कि नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन मोमेंटम के अंदर है, इसका मतलब लेफ्ट का मोमेंटम इक्वल्स टू राइट का मोमेंटम। मतलब मैं लिख सकता हूं m into v के ग्राउंड के रेस्पेक्ट से, हां ये तो हमने अज्यूम किया है ग्राउंड के रेस्पेक्ट से ही है, into mass into v u की स्पीड। इसकी स्पीड सेकंड केस में विद रेस्पेक्ट टू कार्ड है, राइट? मतलब कार्ड मूव कर रहा है पीछे और बंदा मूव कर रहा है आगे, तो इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट से वेलोसिटी क्या यू माइनस वी हो जाएगी? यू माइनस वी, करेक्ट। अपन उससे भी निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार्ड इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार्ड। क्या चीज क्लियर आपको? बहुत बढ़िया। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट से खड़े होकर देखूंगा इसको कूदते हुए और इसको पीछे आते हुए, तो मेरे को क्या लगेगा कि ये जो बंदा कूद रहा है ये यू स्पीड से नहीं कूद रहा है, ये यू माइनस वी स्पीड से इधर कूद रहा है। तो ये आंसर आ जाएगा मेरा u माइनस वी, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, इधर v अपने कॉमन वेलोसिटी निकालना है किसकी, गार्ड की वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा एम यू अपॉन, ये इधर आ गया था m प्लस m, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ कार्ट व्हेन द मैन इज जंपिंग ऑन द अदर साइड विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट। क्या दोनों प्रॉब्लम सबको क्लियर है, राइट? अच्छा, इसको अगर मेरे को थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो क्या करता, मैं बोल देता कि इनिशियली ये कार्ड वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है, इनिशियली ये कार्ड वी नॉट स्पीड से मूव कर रहा है, तो क्या ये दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगा सकता था मैं? नहीं, क्योंकि यहां पे इनिशियल मोमेंटम जीरो नहीं है। अब क्या होगा इस केस में, तो एक शॉर्ट में बता देता हूं आपको, अब होगा इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। देखो इनिशियल मोमेंटम दोस्तों अभी ये कूदा नहीं है, राइट? अभी इनिशियली कूदा नहीं, इनिशियली ये दोनों घूम रहे हैं इस पे, तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इनटू स्मॉल वी नॉट, करेक्ट? अब ये बंदा कूद गया, ये बंदा कूद गया, मैंने क्या अज्यूम कर लिया, मैंने फिर से अज्यूम कर लिया कि मेरे को वेलोसिटी ऑफ कार्ट नहीं पता, तो मैं वेलोसिटी इसको मान लेता हूं पीछे की तरफ वी है, राइट? तो हो जाएगा मोमेंटम ऑफ द कार्ट प्लस मोमेंटम ऑफ द मैन, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव अज्यूम करना पड़ेगा, ये चीज समझ में आ रही है आपको, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव ही अज्यूम करना पड़ेगा और राइट को पॉजिटिव अज्यूम करना पड़ेगा। तो यहां पर जब मेरी वेलोसिटी आ जाएगी तो जाएगी कैपिटल एम इनटू वी माइनस आई गया और उसको प्लस आई गया तो। और ये कितना हो जाएगा, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही गिवन है फर्स्ट केस में, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा एम इनटू यू आई गया। अब आप इसको सॉल्व करके कैपिटल वी निकाल सकते हैं। सेकेंड केस मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है दोस्तों, क्या चेंज होगा बताओ, क्या चेंज होगा? सिर्फ ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है, बट यहां पे यू विद रिस्पेक्ट टू कार्ड है, तो क्या मैं यू माइनस वी प्लस आई क्या लिख दू? पूरी सिचुएशन सेम रहेगी, बस लास्ट का यू चेंज हो जाएगा, क्लियर? तो दोस्तों इतनी मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो थोड़ी मेहनत आपको भी करना पड़ेगी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए दिए हैं और आपको इनके आंसर्स कमेंट्स में देने, राइट? जो सबसे पहले सही कमेंट देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। सो यहाँ पर दो पर्सन हैं, ए और बी, एम वन और एम टू मास है, ये एक ट्रॉली पे खड़े हैं एम मास की, कैपिटल एम मास की, राइट? सब कुछ स्मूथ है, राइट? नाउ व्हाट द आस्किंग, टू पर्सन ए एंड बी ऑफ मास एम वन एम टू आर स्टैंडिंग एट टू एंड्स ऑफ flat bed stationary trolley of mass m, when mass a jumps from the trolley towards left with speed u with respect to trolley, find the trolley speed. अब क्या किया इस मैन ने जंप कर दिया इधर, right? u speed से with respect to trolley jump किया, right? अगर initially momentum zero है तो क्या finally भी momentum zero ही होगा, right? तो आपको momentum लिखना है इसका और उस trolley की speed बताना है, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, hint देता हूं, इसको और इसको एक combined mass मान लो, राइट? और फिर अपन वही इक्वेशन लगा सकते हैं लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, ठीक है? नाउ सेकंड प्रॉब्लम, व्हेन द बोथ पर्सन्स जंप साइमल्टेनियसली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन
with velocity u with respect to trolley, then velocity of trolley will be. अब क्या हो रहा है, दोनों इधर उधर जंप कर रहे हैं एक इंस्टेंट पे साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब भी आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना, राइट। इनिशियली मोमेंटम जीरो, फाइनल मोमेंटम जब आप लगाएंगे तो आप फिर से लेफ्ट इक्वल टू राइट लगा सकते हैं। और आप इसमें काम कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन अगर लेफ्ट मानो, अज्यूम करो अगर मैंने लेफ्ट मान ली तो दोनों का लेफ्ट लेफ्ट इधर ले सकते हैं और राइट इसका इधर ले सकते हैं, ठीक है। एलएचएस आरएचएस ना, सबसे बढ़िया प्रॉब्लम, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम। अब आइए थर्ड, इफ बोथ द पर्संस जंप्स वन बाय वन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी यू विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली, देन द स्पीड ऑफ द ट्रॉली इज। देखो दोस्तों, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अलग और अच्छा क्यों है, क्योंकि बंदा क्या कर रहा है, पहले एक बंदा कूद गया इधर, ठीक है, एक बंदा इधर कूद गया। अब जैसे ही बंदा कूद गया तो ट्रॉली मूव करने लगे इधर, और जब हम सेकेंड बंदा कूदेगा तो वो रेस्ट वाली फ्रेम से नहीं कूदेगा, वो ऑलरेडी मूविंग फ्रेम से कूदेगा। इसलिए प्रॉब्लम थोड़ा अच्छा है। आपको इन सारे प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन हमारे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों एक प्रॉब्लम और देखते हैं। यहां हमने क्या किया, एक वेज है इस टाइप का और उसमें एक बॉल एम मास की यू स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द वेज एट दैट डिस्टेंस। गिवन क्या है, यू स्पीड इक्वल्स टू रूट टू आर जी, राइट, रूट टू जी आर। यानी ये रूट टू जी आर का बाकी, जब मैं एच हाइट से पार्टिकल फेंकता हूं या आर हाइट से पार्टिकल फेंकता हूं तो रूट टू जी एच, रूट टू जी आर, करेक्ट। इस केस में अब एवरीथिंग इज स्मूथ, राइट, और यहां पे रूट टू जी आर स्पीड से ये ऊपर जा रहा है। तो क्या दोस्तों, ये एच हाइट तक ऊपर चलेगा, आर हाइट तक नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स जनरेट करेगा, इधर की तरफ एक फोर्स लगाएगा, और ये वेज जिसके ऊपर ऐसा नॉर्मल फोर्स लगाएगा, तो इस फोर्स के कारण ये पूरा सिस्टम इधर मूव कर मिल जाएगा, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर मैं इसको सिस्टम मानू, अगर मैं इसको सिस्टम मानू तो क्या दोस्तों तुमको ऐसा लग रहा कि ये ग्रेविटी सिर्फ वाई डायरेक्शन में लग रही है, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि यहां पे नॉर्मल इंटरनल फोर्स बन गया है। तो अगर एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है तो क्या एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम भी कंजर्व्ड होगा? मैं एक काम करता हूं दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वी, ठीक। मैंने क्या माना, इसकी वेलोसिटी होगी वी। अब देखो ऊपर, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इसकी स्पीड कम होगी, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पे आगे मान लो ये रुक गया, ये रुक जाएगा। जब ये रुक जाएगा इसके रेस्पेक्ट से, तब भी क्या ये पूरा सिस्टम मूव करता रहेगा वी स्पीड, राइट। मैं मान रहा हूं कि जब ये पार्टिकल रुक गया, जब ये पार्टिकल ऊपर जाके रुक गया तब उस इंसिडेंट पे इनकी वेलोसिटी होगी होगी वी, ठीक है। हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होगी। मैं मान लेता हूं कि ये जो वेलोसिटी है वी, किस पॉइंट पे है ये, जब ये ऊपर जाके रुक गया। जैसे ये रुक गया तो ये और ये दोनों छुपे हुए अभी, तो ये कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस इंसिडेंट पे। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है। काम करता हूं कि ये आर है, ये भी आर है रेडियस के बराबर, तो अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान से देखो दोस्तों, अगर ये एंगल थीटा है तो ये डिस्टेंस आर, ये क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। तो ये जो हाइट है ये हो जाएगी आर माइनस आर कॉस थीटा, आर माइनस आर कॉस थीटा, इसको ब्रैकेट लिख दो, वन माइनस कॉस थीटा। ये हाइट है मेरी, ये निकालना है मुझे, ठीक। चलिए सबसे पहले तो हमें मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, किस इंस्टेंट में, जब ये इसके रेस्पेक्ट से पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना, एम इंटू यू। फाइनल मोमेंटम कितना दोस्तों, एम प्लस एम इंटू वी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे थे, तो मेरा आ गया यू बाई टू, मतलब इसकी स्पीड होगी जस्ट हाफ। अब ये हाइट वगैरह निकालने के लिए हमको एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं लगाता हूं थ्योरम ऑफ एनर्जी जनरेशन। इनिशियल एनर्जी, देखो रेफरेंस ले लेते हैं, ये रेफरेंस ले लिया, एक रेफरेंस लाइन भी ले लिया, राइट। नाउ इफ देयर इज नो लॉस इन एनर्जी, आई कैन राइट इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी कितनी दोस्तों, यहां पर देखिए काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर, राइट। मैंने इसका रेफरेंस मान रखा है, अगर मैंने रेफरेंस माना तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस हाफ इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ एम प्लस एम इंटू वी स्क्वायर प्लस एम जी एच। ये हाइट मैंने मान ली एच, रेफरेंस से एच ऊपर, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई एम जी एच, ठीक है दोस्तों।
तो ये जाएगा मेरा हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम कॉमन निकाल लिया मेरे से तो ये जाएगा टू वी स्क्वायर राइट इज इक्वल्स टू एम जी एच राइट चलो v की वैल्यू पुट करते हैं u बाय टू तो ये जाएगा हाफ एम u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय फोर इक्वल्स टू एम जी एच एम एम गेट कैंसिल ये हो गया टू वन माइनस वन बाय टू तो हो गया यू स्क्वायर बाय टू इंटू हाफ एज इट इज इक्वल्स टू जी इंटू एच ठीक है देखो दोस्तों उन्होंने क्या किया बने u स्पीड की बने अंडर रूट टू आर जी तो स्क्वायर करता हूं तो कितना आ जाएगा हाफ इंटू टू जी आर इक्वल्स टू जी एच और यहां पर टू एज इट इज सो दिस टू गेट कैंसिल टू जी गेट कैंसिल टू जी मेरा हाइट आ गया आर बाय टू अगर आप उससे पूछे कि किस एंगल तक जाएगा तो क्या आप एंगल निकाल सकते हो बिल्कुल निकाल सकते हो कैसे ये जो हाइट है एच क्या ये वन माइनस कॉस थीटा के बराबर है आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू हाइट है तो अगर मुझे एंगल निकालना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूं आर बाई टू इक्वल टू आर वन माइनस कॉस थीटा राइट आर आर गेट कैंसिल वन माइनस वन बाई टू वन बाई टू तो ये क्या वन बाई टू इक्वल्स टू कॉस थीटा थीटा कितना है दोस्तों 60 डिग्री मतलब ये वर्टिकल से 60 डिग्री तक ऊपर जा सकता है मैक्सिमम ये तो आइए दोस्तों अब हम लेते हैं यहां पे एक और एलटीक्यू यहां पे इसको लेने का मकसद सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और सिखाना है फिर से हम वही केस लेते हैं मैंने मान लिया कि m मास की ट्रॉली है और m मास स्मॉल m मास का मैन उसके ऊपर खड़ा हुआ है राइट इस केस में मेरा इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का जीरो नहीं है मेरी ट्रॉली मूव कर रही है v नॉट स्पीड से मेरी ट्रॉली मूव कर रही है v नॉट स्पीड से राइट तो मैं अब लेफ्ट इक्वल टू राइट वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा मैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम लगाऊंगा क्लियर चलिए हाँ तो यहां पे आपकी दोनों प्रैक्टिस हो जाएगी कॉन्सेप्ट भी सिखा दूंगा प्लस इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम भी लगाएंगे अपन हाँ यू हैव टू फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली इफ द मैन जंप्स यू विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पहला केस इजी है हमको स्पीड कहां से गिवन है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है और हमें जो चाहिए होती है वो भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही चाहिए होती है राइट चलिए तो यहां पर हम निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इन एक्स डायरेक्शन बिकॉज वी नो दैट देयर इज नो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा दोस्तों एम प्लस कैपिटल एम इनटू वी नॉट इस स्पीड से ये मूव कर रहे राइट डायरेक्शन में क्लियर चलिए अब इसने जंप किया यू इसने जंप किया विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ओके तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो आएगा मोमेंटम फाइनल कैसे लिखेंगे मोमेंटम ऑफ द कार प्लस मोमेंटम ऑफ द मैन राइट मैं अज्यूम कर लेता हूं कि जो कार की स्पीड फाइनल हो गई है वो हो जाएगी वी ऐसा अज्यूम कर ले ये वी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अज्यूम की देखो जो भी चीज हमें नहीं पता होती है वो हमें निकालना है हमने उसको अज्यूम कर लिया वी राइट हमको निकालना स्पीड मैंने भी स्पीड विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अज्यूम कर ली है ठीक है चलिए तो कार्ट कार्ट का क्या होगा मास ऑफ द कार्ट इनटू वेलोसिटी ऑफ द कार्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यस इट इज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ओनली मास इनटू वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड यस इट इज गिवन तो यहां से आप इजीली भी कैलकुलेट कर सकते हैं राइट इक्वेशन नंबर 1 ठीक चलिए सेकंड देखते हैं दे हैव गिवन यू विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इसका मतलब अब विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जंप कर रहा हूं लेकिन यहां भी दो कंडीशन है आपको दोनों ध्यान रखना है फर्स्ट वो पूछ रहे बिफोर जंप और सेकंड पूछ रहे आफ्टर जंप मतलब मेरी स्पीड यू है विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कब बिफोर जंप जंप के पहले और सेकंड केस में जंप के बाद मेरी स्पीड यू है देखिए ध्यान से क्या चेंज होगा इनिशियल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा तो इनिशियल मोमेंटम होगा एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी नॉट राइट इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम कार्ड का अलग और मैन का अलग तो कार्ड का लिखते हैं कैपिटल एम इनटू वी इसमें कोई चेंज नहीं होगा चेंज कहां होगा देखो दोस्तों यहां पर यू स्पीड है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ड वी नॉट है इनिशियल वेलोसिटी बिफोर जंप कैपिटल वी है फाइनल वेलोसिटी बिफोर जंप सॉरी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर जंप कैपिटल वी फाइनल वेलोसिटी आफ्टर जंप वी नॉट इज द फाइनल द इनिशियल वेलोसिटी बिफोर जंप क्या गिवन है यू विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली बिफोर जंप ठीक है तो मैं जब वेलोसिटी लूंगा तो बेसिकली वेलोसिटी मेरी क्या है दोस्तों मैं राइट में मूव कर रहा हूं और मैं विद रिस्पेक्ट टू कार्ड मूव कर रहा हूं राइट और कार्ड खुद आगे चल रहा हूं कार्ड को सपोर्ट कर रहा हूं तो मेरी फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी यू प्लस
वी नॉट, यू प्लस वी नॉट। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं ऐसा काम करता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, करेक्ट। मैं वेलोसिटी ऑफ मैन निकालूंगा, इसको इधर ले जाओ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। चलिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू कार हमें गिवन है u और पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव लिया है। वेलोसिटी ऑफ कार कितना है, इनिशियली v नॉट है इसलिए मैंने v नॉट लिया है, और ये अभी मेरी वेलोसिटी ऑफ मैन। दोस्तों मुझे यही तो चाहिए, मैंने ये बोल कर दिया v इक्वल्स टू, क्लियर। चलिए थर्ड देखते हैं, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली आफ्टर जंप, आफ्टर जंप इसकी वेलोसिटी कितनी होगी दोस्तों, v। तो यहां पर सिर्फ इस क्वांटिटी में चेंज आएगा, इनिशियल होगा m प्लस m इनटू v नॉट इक्वल्स टू कैपिटल m इनटू कैपिटल v प्लस स्मॉल m u प्लस v होगा यहाँ पे, और आपको v निकालना होगी। अब क्या आपको ये छोटी सी चीज समझ में आ रही, आफ्टर जंप और बिफोर जंप का खेल है। बिफोर जंप में ओरिजिनल वेलोसिटी लूंगा जो ऑलरेडी पहले मूव कर रहा था, और आफ्टर जंप जगह दिया है तो मैं फाइनल वेलोसिटी जो मैंने अज्यूम की है भी वो नेम लेनी पड़ेगी मुझे। क्या चीज आपको क्लियर, बस यहां से आपको कैपिटल v, इसमें से कैपिटल v कॉमन निकाल लीजिए, आपको आंसर आएगा, इसमें से ये डायरेक्ट आंसर आ जाएगा और इसमें से ये आंसर आ जाएगा। तीनों केस आपको अच्छे से क्लियर है, अगर नहीं है तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्लियर। दोस्तों लूजर्स वो नहीं जो हार जाए, लूजर्स वो होते हैं जो जीतने के लिए एफर्ट ही नहीं करते। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।